और तुम आगे बनाओ, चलो मोबाइल बनाओ बनाओ दिखेगी बनाओ ना। भैया जी पार्ट जाना है हल्द्वानी, चला जाएगा ना। ये देखो मोडिफाई वगैरह बील वगैरह मिलते हैं जलोत्रा टायर भाई, मतलब रुद्रपुर में सबसे बड़ी शॉप यही है। एंड किसी को भी चाहिए हो तो मेरे रुद्रपुर में मोदी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे गुलाबी साड़ी यानी लाली लाल लाल। चेक मेरा भाई, गुड मॉर्निंग, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइस जस्ट अभी फिलहाल में वर्कशॉप पहुंचा था, एंड फिलहाल में वर्कशॉप पहुंचने के बाद में मेरे को था थोड़ा सा काम, वो तो मैंने अपने उन्हें मस्त निपटाया। एंड उसके बाद में आया हल्द्वानी से फोन, और हल्द्वानी से फोन आने के बाद में मैम बोली थी कि राहुल मेरे को फेयरिंग चाहिए अर्जेंट में, तो प्लीज मेरे को मतलब जो फेयरिंग है ना वो भिजवा दो, मतलब जो पैनल होता है ना जो साइड का वो उन्हें चाहिए था मैम को, हल्द्वानी वाली मैम को। तो फिलहाल में भाई मेरे को अभी मतलब रोडवेज पे भिजवाना है, हल्द्वानी तो नहीं जा सकता और नहीं वो हमारे पास आ सकते, दोनों को टाइम नहीं है इतना। तो क्या करेंगे, बस पे जो कि जो पार्ट है ना वो बस पे रखवा देंगे, एंड बस से चला जाएगा अपने हल्द्वानी में और वहां से वो मतलब पार्ट को ले लेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना, बाकी अपने जल्दी से उठाते हैं पार्ट को और पहुंचाते हैं वहां पे क्योंकि उन्हें अर्जेंट है। शाबाश बेटा। तो गाइस अपनी फेयरिंग जो रही है देखो मैंने पैक कर लिया, एंड फिलहाल में ये चेक करो तो फिलहाल में वो ठीक ऐसी वो मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ ऐसी फेयरिंग थी, ठीक है, इसे फेयरिंग बोलते हैं। और बाकी अभी फिलहाल में देखो कितना फैलावा वगैरह हो रखा है क्योंकि काम बहुत ही आ रखा था सुबह से इसीलिए। और ये रही अपनी 390 जो कि चिराग जो कल ठीक है मैं कर रहा था, बाकी जल्दी से फेयरिंग उड़ाते हैं। एंड अपने मैंने दोस्त को भी बुला लिया, तेरे को कुछ काम तो नहीं है दादी, नागिन बनाऊंगा मैं तो गाड़ी यार। देखो यार मैं तो एक ही बात बताता हूँ, है चले चल तो ठीक है, जल्दी से चलते हैं, हेलमेट लेके आता हूँ फिर जल्दी से चलते हैं, है ना। तो गाइस जब भी गाड़ी चलाओ ना तो हेलमेट का यूज जरूर करो क्योंकि चालान से बचोगे, बाकी सेफ्टी रहेगी नहीं रहेगी इसका तो पता नहीं, बट मैं चालान से कई बार बच चुका हूँ। कहाँ से आते हैं? एंड ये पता है किसका है, ये कस्टमर का हेलमेट है, और ये पहले जब वो कस्टमर यहाँ छोड़ गए थे ना तो एकदम नया था ये, अब हम लोगों ने इसकी हालत देखो क्या कर दी, डाउन कर दिया बिल्कुल पहन कर, बाकी अब जल्दी से पहनते हैं, अब राइडर वाली फीलिंग आएगी इसे पहनने के बाद में। दादी ये लोग तुम फेयरिंग लो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मस्त चलते हैं। गाइस अभी चलेंगे अपने इस वाली बाइक से ड्यूक 200 से, एंड ड्यूक 200 से चलेंगे तो टोटल मिला के गर्दा उड़ा देंगे, और गर्दा उड़ाएंगे किस तरीके से वो तो अभी आप आगे मतलब क्लिप पे चेक करना। एंड फिलहाल में अभी बताए गाड़ी तो मैंने निकाल ली, लॉन्डे भी बुला लिए, फेयरिंग भी ले लिया, हेलमेट भी ले लिया, बट चाबी तो ली नहीं, तो जल्दी से अपने चाबी लेके आते हैं। एंड आज अपना कैमरामैन मिल चुका है ना, मतलब फोन पकड़ने के लिए बंदा मिल चुका है, तो कोशिश फुल करूंगा कि आज का ब्लॉग इंटरेस्टिंग बना सकूं इसीलिए, ठीक है। तो फिलहाल में अभी देखो आगे किस तरीके से मैं उड़ाऊंगा। एंड दोस्त बोल रहा है कि यार ना इस पे सेफ्टी नहीं होती है, ठीक है, पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है, तो तू भगाइयो मत, तो मैं कोशिश फुल करूंगा कि मैं गाड़ी ना भगाऊं। मैं क्या आता हूँ गए कहाँ, कैसी बनी होगी मुझे नहीं पता, बट मैंने कोशिश फुल की थी कि इंटरेस्टिंग सा मतलब मजा दिला सकूं, बाकी डील चेक करो, बताओ तुम आगे बनाओ, चलो मोबाइल बनाओ बनाओ दिखे बनाओ ना। सो गाइस अपना वन राउंड देख के अपना राहुल दोस्त भी आ चुका है, बाकी फिलहाल में राहुल दो भाई के साथ में करता था मैं टीवीएस में जॉब एड। और सुनाओ राहुल भाई क्या हाल है भाई के, आजकल कहाँ हो तुम? जलोत्रा। ओ भाई जलोत्रा टायर पे बैठ के, यहाँ तो व्हील वील बड़े मस्त मस्त मिलते हैं, सस्ते दिलवा दोगे मेरे सब्सक्राइबर को? अरे बिल्कुल। तो गाइस अगर किसी को भी ये देखो मोडिफाई वगैरह बील वगैरह मिलते हैं जलोत्रा टायर भाई, मतलब रुद्रपुर में सबसे बड़ी शॉप यही है, एंड किसी को भी चाहिए हो तो मेरे दोस्त से कॉन्टेक्ट करो, सबसे सस्ता दिलवाएगा हर जगह से, है ना, क्यों ठीक कह रहा हूँ। बाकी आप वन राउंड मार रहा था, मजा आया, लेकिन यार अपना कैमरामैन सस्ता कैमरामैन है, इसे बनानी नहीं आई थी रील। बाकी गाइस यार काफी टाइम बाद अपना दोस्त मिला तो भाई मतलब मजा आया, एंड फिलहाल में बन राउंड वगैरह तो मार ही आता, पता नहीं ठीक से बनी होगी या नहीं बनी होगी वीडियो, बाकी मैंने कोशिश तो फुल की थी। सो फाइनली गाइस खेड़े में भी पहुंच चुके हैं, एंड खेड़े से कुछ ही दूरी पे है रोडवेज, एंड रोडवेज पे पहुंचने के बाद में पार्ट को देने के बाद में फिर तो भाई मतलब सीट में थोड़ी जगह मिल जाएगी, अभी पार्ट रखा हुआ है इसीलिए यार मेरा दोस्त ठीक से बैठ नहीं पा रहा है।
गाइस मैं तो खेड़े में आया, बट यहाँ तो यार माहौल बन गया भयंकर। ठेले उले जितने सारे थे सब हटा दिए, भयंकर टीन टा इन मतलब इतना कुछ बाहर, मतलब रोड पे जितनी भी कुछ मतलब चीजें रखी थी सबको हटा दिया यार। सो गाइस ये चेक करो मुझे रोडवेज पे जाते वक्त क्या दिखाई दे गया। थार भाई, थार को तो देख के एक अलग ही मतलब क्रेज सा लगता है भाई, मतलब ऐसा लगता है कि हमें भी चाहिए। तो गाइस रोडवेज पहुंच चुका है एंड रोडवेज के जस्ट बराबर में ये रही खड़ी बस एंड फिलहाल में इसी पे भैया जी पार्क जाना है हल्द्वानी, चला जाएगा ना, पैसे वहीं मिलेंगे ठीक है, और नंबर इसी पे लिखा हुआ है ठीक है। तो क्या नाचो मैं केटीएम का बाटा ही है भैया ने ओके की रिपोर्ट बोल दिया, यानी कि ओके है, बाकी भैया से नंबर ले लेते हैं एंड बाकी चलते हैं जल्दी से अपने शोरूम पे यानी कि वर्कशॉप पे। सब लोगों ने पार्ट भी दे दिया, बाकी अब जल्दी से चलते हैं। लोहंडे कुछ खाएगा क्या? क्या खाएगा बताओ? चल ठीक है तेरे को पेप्सी उप्सी जो भी खाए वो खिलाते हैं। सो गाइस पता चला है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में यानी कि हमारे रुद्रपुर में मोदी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे मतलब रोड वोड है ना, रोड के आसपास में जितने भी मतलब खोखे वगैरह लग रखे हैं, ठेले वगैरह लग रखे थे, गंदगी हो रखी है। हालांकि सारी चीज़ें यहाँ से साफ कर दिया एंड बराबर में देखो यहाँ पे मेरी भी मतलब पूरी साफ सफाई कर दिया एंड यहाँ पे मतलब जितना भी रोड पे मतलब जितनी भी सरकार की जगह है वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी सबको हटा दिया है। मतलब तभी मैं समझूँ इतनी जगह खाली खाली सी क्यों लग रही है, जैसा कि आप उस साइड से भी चेक कर सकते हो एंड इस साइड से भी चेक करो। तो गाइस ये पीछे हमारे चेक करो, ये रही फील्ड एंड इसे बोलते हैं गांधी मोदी मैदान बोलते हैं गाइस यहाँ पे मोदी मैदान। तो मोदी जी मतलब यहीं पे आ रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री है ना जो यहीं पे आ रहे हैं, तो इसीलिए मतलब जो ग्राउंड है ना वो एकदम A1 बना दिया। और पहले अगर आप ये ग्राउंड देखते ना तो भाई देख के आराम रह जाते, ऐसा ग्राउंड था। बाकी मैं बैक कैमरे से चेक कराता हूँ। सो गाइस ये चेक करो ग्राउंड, और इस ग्राउंड है ना पहले भी ऑलरेडी कई बार मतलब मोदी आ रखे हैं, मतलब अपने जो कि प्रधानमंत्री है वो आ रखे हैं, तो ग्राउंड A1 बना दिया। और पहले यहाँ पे इतने खड्डे होया करते थे गाइस, यार क्या बताऊँ, यहाँ से कोई बाइक भी नहीं ले जा सकते। और अभी देखो कौन कौन सी मशीनें चल रही है इसमें, भयंकर तरह तरह की जो रोडों पे चलते हैं ना, रूटावेटर पता नहीं क्या बोलते हैं, वो तक इसमें अभी चल रहे हैं, गजब है। और ये देखो बांस वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। बाकी कब आ रहे दोस्त, तेरे को पता है? कल आ रहे? अच्छा तो कल नहीं आ रहे दादी, परसों आ रहे हैं। गाइस पता नहीं जो जब भी आएंगे वो तब आपको मैं दिखा दूंगा वो कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। मैं बताऊँ ना, जब मैंने पहले उन्हें देखा था तो वो बिल्कुल अंग्रेज जैसे लगते हैं यार, अपने मोदी जी मतलब प्रधानमंत्री अपने। बाकी खैर कोई नहीं, जब आएंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे वर्कशॉप से थोड़ी सी दूरी पे ही है। सो गाइस पहुंच चुके हैं अपने वर्कशॉप पे एंड फिलहाल में बाइक कर दिया मैंने कोने में को घड़ी, और बाकी फिलहाल में यहाँ पे चेक करो आज मेरे वर्कशॉप पे क्या आया है। और मैं बताऊँ ये क्या है, ये है अपने मतलब सभी चेयर वगैरह है जिसमें हमें टेबल चेयर वगैरह ये सब चीज़ें भी अपनी मस्त आ गई हैं, और गाड़ी तो अपनी यहाँ पे मस्त खड़ी कर दिया। बाकी अपने चलते हैं जल्दी से अपने वाले वर्कशॉप पे, ये है अपना टाटा का वर्कशॉप और मेरा है आगे वर्कशॉप। सो गाइस हो चुके हैं शाम एंड आज के दिन को किया था मस्त एंजॉय, बाकी बेरियल वगैरह भी डाल दिया अंदर, और वहाँ पे बैकग्राउंड में चेक करो सभी बंदे भग गए भाई, मतलब लाइटें वाइटें बंद करके सब भग गए, अभी मैं रह गया हूँ क्योंकि यार मैं तो ना बस इंजॉय करता रहता हूँ हर टाइम भाई, भयंकर मस्ती कर रहता हूँ भयंकर। अभी भी दे देखो अपनी मतलब चाबी एरी मेरी वर्कशॉप की, अभी काम कर रहा था ना इसे निपटा रहा था यार, 390 को कल देनी है यार। बंदा अगर मुझसे कोई प्यार से बोल देना कि भाई मेरे को यार गाड़ी कल चाहिए तो भाई तुम्हें कल दूंगा भयंकर, यही रहता सीन। मैं गाइस अभी आपको जिस बाइक के बारे में बता रहा था ना वो अभी मैं आपको लास्ट वाली दिखा देता हूँ, फिर अपना वर्कशॉप में बढ़ा दूंगा। ये चेक करो गाइस आगे से मैंने पूरी पैक कर दी, मिरर वगैरह भी लगा दिए, बस फेयरिंग लगेगी कल, फिर गाड़ी हो जाएगी A1। बाकी वेरियल वगैरह भी डाल दिए, हम जल्दी से निकलते हैं। इस फिलहाल में वर्कशॉप बढ़ा के अपने ऑफिस में रख दिया मैंने चाबी एंड चाबी तो रख दी है, बट लाइट ही नहीं आ रही, और दोस्त के फोन से रोशनी कर रहा हूँ मैं ब्लॉग बनाने के लिए, भयंकर पंची नहीं लग रहा। ये देखो लॉन्ड अप पंची करने के लिए खड़े हुए हैं सबके सब। हाँ मेरे भोदू दोस्त इधर सुन, पंच नहीं करेगा ऐसे ही आएगा घर ध्यान ही। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, चढ़ेगी तेरी। भोंदू दोस्त अपना चला गया है, बाकी यार देखो पंच यार फिलहाल में अब घाट साहब छोटे घाट साहब लाइट कितनी देर बाद आएगी, तो सुबह से नहीं आ रही है, तो जनरेटर कब चलेगा? डीजल नहीं है तो आज हमारी दिहाड़ी कैसे चढ़ेगी? कल चढ़ाना। अरे यार बॉस को थोड़े ना पता चलेगा कि इसने कल चढ़ाई यार, लाइट नहीं थी डीजल नहीं था। बाकी यार गाइस दिहाड़ी तो चढ़ नहीं रही है, ऐसे ही अपनों को चलना पड़ेगा, खैर कोई नहीं, तो फिलहाल मैं अपने जल्दी से चलते हैं। छोटे घाट साहब ने गेट भी बंद कर दिया, बोले आप कोई नहीं तुमने सुबह लगा दिया भाई, बहुत बड़ी बात है। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं एंड जस्ट अभी लाइट आई हुई है, आज लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही यार, आज मतलब हर जगह की रुद्रपुर में आज हर जगह की लाइट काट दी गई थी, तो इसलिए भाई लाइट ही नहीं आ रही, इस चक्कर से मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया ठीक से, तो माफ़ी चाहूँगा गाइस। एंड फिलहाल में आई हो बस आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग या धड़कते फड़कते ब्लॉग आप सभी लोगों को लेके आता रहूँगा, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।
गाइस ये रहा अपना रोडवेज एंड ये रहा अपना शोरूम। तो फिलहाल मैं शोरूम पे भी अपने